अब बड़े भूकंप के लिए तैयार रहे गढ़वाल कुमाऊं। गढ़वाल कुमाऊं अर्थात उत्तराखंड हिमालय को अब बड़े भूकंप से निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस हिमालयी क्षेत्र के भूवर्ग में इतनी एनर्जी एकत्र हो चुकी है कि जो 8 से बड़े रिचर स्केल के किसी भूकंप या फिर 7 से बड़े रिचर स्केल के 1 से अधिक भूकंप से ही बाहर निकल सकती है। इस क्षेत्र में पिछले 200 से अधिक वर्षों में 8 से बड़े का कोई भूकंप नहीं आया है। 7 से बड़े का भूकंप भी पिछले 52 वर्षों से नहीं आया। उत्तराखंड के पूरब और पश्चिम से लगे हिमालय क्षेत्र, नेपाल और हिमाचल प्रदेश में इस दरमियान 8 से बड़े और 7 से बड़े के भूकंप आ चुके हैं। गढ़वाल में 1803 और 1809 में 8 से बड़े के भूकंप आए थे। कुमाऊं और नेपाल सीमा पर धारचूला के निकट 1958 और 1968 में 7 से बड़े के भूकंप आए थे। गढ़वाल में 7 से बड़े का आखिरी भूकंप 1816 में गंगोत्री के निकट आया था। 205 वर्षों में गढ़वाल में 8 से बड़े तो छोड़िए, 7 से बड़े का भूकंप भी नहीं आया। प्रमुख भू वैज्ञानिकों के एस वाल्दिया आदि बड़ी चिंता ये प्रकट कर चुके हैं कि सक्रिय मध्यवर्ती भ्रंश MCT के निकट पिछले 150 से 200 वर्षों के भीतर 8 से बड़े का भूकंप नहीं आया, और ये राहत की नहीं बल्कि चिंता की बात है। कोलोराडो विश्वविद्यालय से संबंधित रहे भू वैज्ञानिक रॉजर विलहम ने 2001 में गुजरात के भुज भूकंप के बाद कह दिया था कि अब खतरा हिमालय के 60% भूभाग पर है। 7 से बड़े से 8 से बड़े 5 तक के भूकंप की आशंका उन्होंने बताई थी। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर पाना अभी संभव नहीं हुआ है, लेकिन 218 वर्ष के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनका इशारा समझा जा सकता है। आज से लेकर 10 या 20 साल के भीतर 6 या 7 या 8 से बड़े का भूकंप आएगा, ये मानकर बचाव के उपाय करने जरूरी हैं। बड़ी आबादी ऐसे मकानों में रहती है जो इतना बड़ा भूकंप नहीं झेल पाएंगे। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 1803 के भूकंप में गढ़वाल राजधानी श्रीनगर में 80% मकान ध्वस्त हो गए थे। ये भूकंप आधी रात में आया और कई दिन तक लगातार भूकंप आता रहा। टिहरी रियासत के वजीर रहे हरिकृष्ण रोतुड़ी ने अपनी इतिहास पुस्तक में 75 से 80% तक आबादी के खत्म होने की बात कही। हालांकि आधी आबादी के खत्म हो जाने की बात तो लोकमानस में आज भी है। तो क्या हम तैयार हैं एक बड़ी आपदा के लिए?